ग्रेट थिंकर्स, हिस्ट्री के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड से टाइम टेस्टेड विजडम यानी ज्ञान सीखे दोस्तों। क्या यह कहना सेफ रहेगा कि आज के ग्रेट थिंकर सबसे ब्रिलियंट भी हैं? आखिरकार आज हम दुनिया के नट्स और बोल्ट्स के बारे में यानी उनके बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और यूनिवर्स को ग्रीक्स, रोमन्स और बुद्धिजीवियों से ज़्यादा जान चुके हैं। वे हमें ऐसा क्या बता सकते थे जो अब हम पहले से नहीं जानते और इम्प्रूव कर चुके हों? जल्दी में कुछ अंदाज़ा मत लगाइए दोस्तों, भले ही ये सोचते हुए अच्छा लगता हो कि आज के थिंकर्स कल के थिंकर्स से ज़्यादा बेटर थे, मगर फैक्ट यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल भी आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। यह जानना कि लाइफ में असल में क्या ज़रूरी है और आने वाले ट्विस्ट को कैसे डील करना है जो हमें ह्यूमन बनाता है, ये कुछ चंद अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें हमारी प्रीवियस जनरेशन से विरासत के तौर पर मिली है दोस्तों। जैसा कि यह समरी प्रूव करेगी कि हम हमारे ग्रेट एंसेस्टर्स से ज्ञान का भंडार पा सकते हैं। किस्मत से हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां नॉलेज को पाना और उसे सीखने और अमल में लाने की अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ज़्यादा है दोस्तों। एंजाइटी और पैरानोया से निकलने में स्टोइसिज्म हमारी हेल्प कर सकता है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। स्टोइसिज्म एक फिलोसफिकल मूवमेंट है जो ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास प्राचीन ग्रीक और रोम से शुरू हुआ था। फेमस स्टोइक फिलोसोफर्स में से एक सेनेका द यंगर फिलोसोफर और टीचर के साथ साथ एम्परर मार्कस ऑरेलियस भी शामिल है। स्टोइसिज्म का उद्देश्य लोगों को लाइफ की हर प्रॉब्लम का सामना करने के लिए साहसी और अटल बनाने में हेल्प करना है, क्योंकि स्टोइक्स का मानना था कि लाइफ में सुकून पाने का एक ट्रू सोर्स गुडनेस है। उन्होंने लाइफ के कई अप्स एंड डाउन्स के बारे में ज़्यादा इमोशनल होने में थोड़ा बहुत समझदारी दिखाई थी। स्टोइसिज्म के बेनिफिट्स में से एक यह है कि एंजाइटी को ठीक करने में यह बहुत पोटेंशियल है। स्टोइक्स का मानना था कि एंजाइटी दो पॉसिबल आउटलुक्स के रिजल्ट्स के रूप में डेवलप हो सकती है, बहुत ज़्यादा होप होना या जो कुछ भी आगे हो सकता है उसके बारे में हमारे अंदर भयानक सा डर होना। जैसे आप अपकमिंग ऑडिशन के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं और एक मूवी स्टार बनने के लिए अपने ड्रीम को साकार कर सकते हैं, जबकि उसी वक्त में अपनी डेली जॉब को खोने और होमलेस होने के बारे में चिंता करना भी कर सकते हैं दोस्तों। दोनों नज़रिए ही चिंता फिक्र की वजह से होते हैं। अब जनरली कहें तो इन दोनों एंजाइटी से निपटने के लिए आम नज़रिया यह होता है कि खुद को याद दिलाने का कि सब कुछ नॉर्मली एक या दूसरे तरीके से काम करेगा, इसलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टोइक्स के पास एंजाइटी को शांत करने का एक और तरीका है जो ये कहता है कि हाई होप्स को जाने दो और अपने डीपेस्ट फियर को अपने सिर पर मत बिठाओ। इसका मीनिंग यह है दोस्तों कि अगर आप असल में होमलेस होने के बारे में चिंता करके बैठे हैं तो कुछ दिन आप बचा कूचा खाने में और पार्क की बेंच पर सोने में बिता सकते हैं। उसके बाद आप अपने वर्स्ट के सिनारियों से इंट्रोड्यूस होंगे और यह फिर अब इतना स्केरी नहीं लगेगा दोस्तों। एक और बात जो स्टोइसिज्म सिखाती है कि अभी से ही लाइफ को सिंप्लिसिटी के साथ कैसे जीना है। जबकि वह पर्टिकुलरली रिलीजियस नहीं थे, स्टोइक्स भाग्य में बिलीव करते थे, स्पेशली रोमन गॉडेस फॉर्चूना में। हालांकि यह कर्मा से काफ़ी हटकर है दोस्तों, क्योंकि किसी भी समय फॉर्चूना आपके रास्ते को बहुत अच्छा या बहुत बुरा बना सकती है, और फिर चाहे आप कितने भी अच्छे या बुरे क्यों ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। थॉमस अक्यूनस ने साइंस और फेथ में बैलेंस सेट किया और हम आज भी उनसे सीख सकते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। थॉमस अक्यूनस एक 13वीं सेंचुरी के इटालियन मॉन्ग थे जो अपने सेंटहुड और वर्जिन मैरी के अपने विजन के लिए फेमस थे। भले ही आज के सेक्युलर टाइम में अक्विनस एक ग्रेट थिंकर के लिए सबसे काबिल कैंडिडेट की तरह नहीं लगते हों, लेकिन उनके इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आज भी इम्पॉर्टेंट बने हुए हैं। स्पेशली साइंस और फेथ को कलैबोरेट करने की उनकी कोशिशों की कदर होनी चाहिए दोस्तों। आखिरकार थॉमस अक्विनस भी एक फिलोसोफर ही तो थे, तो जबकि वे अपने बिलीव्स पर अटल रहे तो उन्होंने रिलीजियस डॉगमा
को आंख बंद करके फॉलो करने से भी मना कर दिया। इसने उन्हें मिडीवल एरा के सबसे पहले लोगों में से एक बनाया जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि फेथ और रीजन को एग्जिस्ट हो सकते हैं। एक्विनस अपने ओपन माइंडनेस की बदौलत अपने वक्त से भी आगे थे। उन्होंने ये सजेशन भी दिया था कि क्रिश्चियंस के अलावा दूसरे लोगों के पास अपने प्रॉफिटेबल नज़रिए हो सकते हैं। यह एक ऐसे वक्त में रिवॉल्यूशनरी विचार था जब क्रिश्चियनिटी ऑल राउंड पावरफुल थी और सिर्फ नोटवर्दी थिंकर्स प्रोड्यूस करने वाला रिलीजन मानी जाती थी। एक्विनस के अकॉर्डिंग दुनिया में दो वर्क लॉ थे। एक था नेचुरल लॉ, जिसमें हम रीजन के जरिए से समझ सकते हैं, और दूसरा है इटर्नल लॉ, जिसके लिए फेथ की ज़रूरत होती है। हालांकि ये आज ओल्ड फैशन लग सकता है दोस्तों, पर उनके नज़रिए से सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। उन दिनों जो अथॉरिटी कभी चर्च में होती थी, वे काफ़ी हद तक साइंस को हैंडओवर कर दी गई है। इसलिए उसी वजह से हमने तब एक बार पोप के आदेशों को मानने से मना कर दिया था, जिससे हमें पोप का आशीर्वाद नहीं मिला करता था। अब उसे हम साइंस के नज़रिए से रिफ्यूज़ करने की बेहतर स्थिति में हैं। इसका मतलब यह है कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बजाय ह्यूमैनिटी के नज़रिए से आने वाले व्यूज़ या एक इंडिविजुअल थॉट्स और परसेप्शन के ज़रिए से दिखाए गए व्यूज़ को डीवैल्यू करना चाहिए। थॉमस एक्विनस हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम दुनिया के समझदार बनने की उम्मीद करते हैं, तो हमें खुद को ओपन माइंडेड रखना चाहिए और डिफरेंट अप्रोचेस और अंडरस्टैंडिंग्स को अलाउ करना चाहिए। एडम स्मिथ ने हमें कुछ कीज बताई हैं जिससे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सकता है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अगर आप किसी पार्टी में कम बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा चांस है कि आप किसी से पूछ सकते हैं कि उनका जॉब क्या है। आप यह सोचकर परेशान हो सकते हैं कि आखिर लॉजिस्टिक सप्लाई मैनेजर करता क्या है। इन कन्फ्यूजिंग जॉब टाइटल्स के पीछे का कारण कोई नया ट्रेंड नहीं है दोस्तों, यह असल में जॉब स्पेशलाइजेशन का रिजल्ट है। एक घटना जो पहली बार 18वीं सदी के स्कॉटिश फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ के द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी। असल में स्मिथ ने उन कई सवालों में जो देखा, वह आज भी रिलेवेंट है, लेकिन जॉब स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स और पॉसिबल डेंजर्स में उनकी खोज पर्टिकुलरली रिमार्केबल थी दोस्तों। स्मिथ ने रिकॉग्नाइज किया कि अब सोसाइटी वैसी नहीं रह गई है जिसमें जहां एक फैमिली ब्रेड बेकिंग करती थी, तो वहीं दूसरी लोगों के लिए घर बनाती थी। इंडिविजुअल्स अब एक स्पेसिफिक टास्क में स्पेशलाइजेशन हासिल कर रहे हैं, जैसे कि ईंट बनाना, और इसे वो पूरी कम्युनिटी के लिए करते हैं। हालांकि स्मिथ के ऑब्जर्वेशन का ज़रूरी पार्ट यह था कि इस नए डेवलपमेंट में उतार चढ़ाव दोनों ही थे। स्मिथ सही थे जब उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि हाईली स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स वाले नेशंस एक्सट्रीमली एफिशिएंट होंगे और दुनिया में सबसे रिचेस्ट बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने इस खतरे को भी पहचान लिया था कि कई वर्कर्स को ऐसे फील होगा कि वे मशीन के दलदल में फंस गए हैं और यह देखने में चूक गए हैं कि उनका इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मीनिंगफुल है। रिमार्केबली स्मिथ की सदियों पुरानी सोच आज भी जारी है दोस्तों। मॉडर्न इकोनॉमी पहले से कहीं ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर रही है, जबकि बहुत से लोग अपनी जॉब को थकान वाला मानते हैं अगर वह मीनिंगलेस नहीं है तो। एक कंपनी के कई कॉन्टिनेंट्स में फैले 100,000 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, जिनमें से हर कोई प्रोजेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में काम कर रहे हैं बिना इस बात की समझ के कि उनके एफर्ट्स कैसे प्रोडक्ट की फिनिशिंग में फिट होते हैं। यही वजह है कि स्मिथ के पास मैनेजर्स और सीईओ के लिए बेहतरीन एडवाइस है, जो कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि आप ये पक्का करें कि आपके वर्कर्स वेल इन्फॉर्म्ड हों और वह इस बात को समझते हों कि एंटरप्राइज की ओवरऑल सक्सेस के लिए उनका इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। स्मिथ भी कैपिटलिज्म के एक चैम्पियन थे, जब तक कि इम्पॉर्टेंट सोशल प्रोग्राम से भी बदले में मुनाफा ना हासिल किया जाए। 18वीं सदी तक कंज्यूमर कैपिटलाइजेशन पहले से ही लग्जरी फर कोट्स और हाई एंड स्टफ बॉक्सेस जैसी सुपरफिशियल थिंग्स पर खर्च किए जा रहे मनी और लेबर की आलोचना कर रहा था। बहुत से लोगों को इसके साथ साथ सड़कों पर भूख से मर रहे गरीब लोगों की प्रॉब्लम्स को भी समेटने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन स्मिथ ने कैपिटलिस्ट सिस्टम का बचाव किया और लोगों को याद दिलाया
कि यह तब तक सभी के लिए बेनिफिशियल है जब तक कि सरप्लस मनी का यूज उन प्रोग्राम्स के लिए किया जाता है जो सोसाइटी के सबसे नीडी मेंबर्स को सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हो, जैसे कि स्मिथ ने देखा मिंक कोट्स और सिल्वर प्लेटेड स्नफ बॉक्सेस भी इन सभी बातों का हिस्सा थे कि हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को कैसे फंड प्रोवाइड किया जाता है। स्मिथ ने इस बात की भी जानकारी दी कि साइकोथेरेपी जैसी लोगों की मदद करने वाले मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स और बेनिफिशियल सर्विसेज के फायदे पर जोर देकर कैसे इन सिस्टम्स को बेहतर बनाया जा सकता है। इस तरह किसी देश की प्रॉस्पेरिटी साथ ही साथ उसके सिटीजन की मेंटल वेलबींग की भी केयर की जा सकती है। लाउत्सू ने सिखाया कि अगर आप इसके नेचुरल फ्लो को फॉलो करें और इस पर मनन करें तो लाइफ बहुत स्वीट हो जाती है। आइए दोस्तों इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। लाउत्सू पर बहुत कम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि ये चाइनीज फिलोसोफर ईसा पूर्व 6th century के दौरान थे। फिर भी इस रहस्य के बावजूद उनके आइडियाज आज भी दुनिया पर मेजर इन्फ्लुएंस डालते हैं। जिस तरीके की फिलॉसफी लाउत्सू ने सिखाई इसका एक क्विक आइडिया लेने के लिए एक पॉपुलर स्टोरी है जो एक विनेगर टेस्टिंग सेरेमनी में कॉन्फ्यूशियस और बुद्धा के साथ उनके विचारों को रखती है। कॉन्फ्यूशियस लोगों को करप्ट मानते थे तो उन्होंने विनेगर को खट्टा पाया। बुद्धा जिनका फोकस इस बात पर था कि दुनिया दुखों से भरी है उन्होंने विनेगर को कड़वा पाया, लेकिन लाउत्सू का मानना था कि इसका टेस्ट स्वीट है। ये लाउत्सू के सबसे फेमस वर्क ची ताओ ते चिंग पर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन डालता है, जिसने लोगों को सिखाया कि अगर आप अपने नेचुरल फ्लो को फॉलो करते हैं तो लाइफ सही मायने में स्वीट हो सकती है। पानी की बॉडी के सर्फेस की तरह लाइफ डिस्टर्ब लग सकती है, लेकिन देखा जाए तो दुनिया हार्मनी और शांति में बहुत सुंदर दिखाई देती है। और नेचुरल हार्मोनियस फ्लो की सिचुएशन तक पहुंचने के लिए ताओ के साथ चलना चाहिए या फिर दुनिया का रास्ता अपना लो दोस्तों। यह एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट की तरह लग सकता है, लेकिन लाउत्सू और ताओइज्म के कंटिन्यूस वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करते रहने की एक वजह यह है कि उनके इंस्ट्रक्टर्स इसे कॉन्क्रीट की तरह सॉलिड बनाते हैं। ताओइस्ट फिलॉसफी का सेंट्रल पॉइंट उनकी यह समझ है कि कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड सिंपल भी हो सकता है जब मन शांत होता है, और जब एक सिंपल ब्यूटीफुल लाइफ में ऑब्जर्वेशन भी जुड़ जाता है तो हम रियल विजडम यानी असली ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने सभी बिजी प्लान्स और अपनी सभी अपॉइंटमेंट्स को ब्रेक कर दें और इसके बजाय असल दुनिया का एक्सपीरियंस करने के लिए वक्त निकालें। लाउत्सू हमें यह भी सिखाते हैं कि नेचर की अपनी एक रिदम और पेस है जिसका हमें विरोध करने के बजाय फॉलो करना चाहिए। जब आप ताओ को फॉलो करते हैं तो सब कुछ अपने नेचुरल टाइम पर आ जाएगा और चीज़ों को हड़बड़ाहट में करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स में से एक है अपने किसी चहेते को खोने के बाद शोक मनाना। कई लोगों के लिए यह एक टेरेबल टाइम माना जाता है, इसलिए वह इससे जल्द से जल्द उभरने की कोशिश करते हैं। दूसरे उदाहरणों में आप लर्निंग प्रोसेस में कॉर्नर को हटाने की कोशिश कर सकते हैं या रात भर एक नए रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप परेशान और स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं चाहते हैं तब तक आपको लाइफ की रिदम में रहने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को अपने नेचुरल वे में होने दे। जितना इसमें टाइम लगता है लगाइए दोस्तों। लाउत्सू के लिए अपने आप को इस नेचुरल रिदम में शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका नेचर को ऑब्जर्व करना है। तो अगली बार जब आप बाहर निकलेंगे और ख़ुद को याद दिलाएंगे कि आपको अपने दिन और लाइफ से भागना नहीं है, कुछ देर बैठकर आकाश में बादलों की ओर देखना है, पेड़ पौधे की ब्यूटी को निहारना है और उसको तारीफ करना है, तो कितना अलग लगेगा ना दोस्तों। अपनी एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के ज़रिए मार्गरेट मीड ने सेक्सुअलिटी और जेंडर के बारे में बहुत कुछ सिखाया। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एक कॉमन मिस्टेक दुनिया को ब्लैक और वाइट जैसे वर्ड्स में कंपेयर करने की हो सकती है, जैसे कि मॉडर्न टेक्निक्स को पूरी तरीके से अच्छा बताना और पास्ट सोसाइटीज़ के तरीकों को पूरी तरीके से खराब या बेकार दिखाना। ग्रेट थिंकर मार्गरेट मीड ने एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के जरिए एक महान नज़रिया पाया और उनके
वर्क्स बताते हैं दोस्तों कि ट्रेडिशनल सोसाइटी के तरीकों को अपनाकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। स्पेशली मीड की 1928 की एक बुक कमिंग ऑफ एज इन समोआ में बताया गया कि वेस्टर्न सेंचुरीज में सेक्सुअलिटी पर हेल्दीएस प्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। मीड की बुक टीनेज समोआ वुमेन की लाइफ को एग्जामिन करती है, जिसमें उसने यह पाया कि वह अमेरिकन टीनेजर की तुलना में मास्टरबेशन और होमोसेक्सुअलिटी सहित सेक्सुअल मैटर में ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करती है। उसने पाया कि समोआ वुमेन इन मैटर्स को बचपन से ही सीख लेती है और इसको शेमफुल नहीं माना गया है। ज़्यादातर ने एडल्ट होने तक यह नॉलेज सीख ली थी। मीड ने एडल्टरी के बारे में और भी ज़्यादा रिलैक्स्ड एटीट्यूड पाए। अगर एक समोआ मैन दूसरे की वाइफ के साथ सोता था तो उसे अपने हाथों और घुटनों को टेक कर अपनी गलती के लिए रहम की भीख मांगनी पड़ सकती है, जब तक कि उस वुमेन का हस्बैंड उसे माफ़ न करे। यह माफ़ी आमतौर पर नाइट में दी जाती थी, जिस वक्त पूरी कम्युनिटी एक पार्टी के रूप में इकट्ठा होती थी। तो जहां वेस्टर्न सोसाइटीज़ जनरली एक टीनेज गर्ल के तनाव में होने के लिए रेजिंग हार्मोन्स को जिम्मेदार ठहराती है, वहीं मीड ने पाया कि समोआ टीनेजर्स ने उन्हीं हार्मोन्स के साथ किसी भी तरीके की कोई एंजाइटी नहीं पाई। इसलिए वह यह कह सकती है कि स्ट्रेस, मॉडर्न कंडीशनिंग और सेक्स के प्रति कई सोसाइटीज़ के सरप्रेस्ड एटीट्यूड होते थे। पपुआ न्यू गिनिया में डिफरेंट ट्राइब्स को कंपेयर करते हुए मीड ने यह भी पाया कि वहाँ जेंडर रोल की बात करते समय कोई फिक्स्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। असल में वे ट्राइब्स टू ट्राइब्स वेरी करते थे। उदाहरण के लिए अरापेस ट्राइब में मेल और फीमेल दोनों पीस लविंग और संपन्न थे, जबकि मुंडू गुमर ट्राइब में मेल और फीमेल दोनों एग्रेसिव और रफ बिहेवियर के थे। लास्ट में चैम्बरी ट्राइब्स के लोगों में वुमेन का मेन रोल था, जबकि मेन ज़्यादा डिपेंडेंट थे और उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो एक कंक्लूजन में यह आता है दोस्तों कि जो आज भी हाईली रिलेवेंट है, मीड ने लिखा है कि जेंडर उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस्ड होता है जिसमें लोग रहते हैं। सिगमंड फ्रॉयड के प्लेजर और हमारे चाइल्डहुड के इन्फ्लुएंस के बारे में जो आइडियाज़ थे, वह आज भी हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। भले ही वह अपने वक्त में एक बेहद सक्सेसफुल डॉक्टर थे, सिगमंड फ्रॉयड भी एक अनहैप्पी वर्कोहॉलिक थे, लेकिन यह कहना सेफ होगा कि उनकी मेहनत का उन्हें भरपूर फल मिला, क्योंकि फ्रॉयड विजडम का एक बहुत गहरा सोर्स हैं जो आज भी लागू किया जा सकता है। फ्रॉयड के काम के स्थाई और प्राइमरी बिलीव्स में से एक था प्लेजर प्रिंसिपल, या आनंद की ओर अट्रैक्ट होना और दर्द से दूर भागने की ह्यूमन टेंडेंसी। फ्रॉयड के अनुमान से एज अ चिल्ड्रन हम प्लेजर प्रिंसिपल्स से पूरी तरीके से कंट्रोल होते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे हम ग्रो अप होते हैं और सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए ज़्यादा क्लियर होते चले जाते हैं, हम सीखते हैं कि कुछ बहस से दूर ही रहना चाहिए, जैसे कि नाक में दम करने वाले लोगों से बहस या झगड़ा करना। प्रॉब्लम यह है कि प्लेजर प्रिंसिपल का यह सेपरेशन अक्सर न्यूरोसिस की तरफ ले जाता है। उदाहरण के लिए एक मैरिड वुमेन खुद को किसी और के प्रति अट्रैक्ट महसूस कर सकती है, और उन न्यूरोसिस के थ्रू इन दबी हुई फीलिंग्स को दबाने का यह रिजल्ट सामने आ सकता है, जिसके कारण उसको अपने साथी के प्रति जुनूनी जेलस हो सकती है। इस तरीके के अनडिज़ायरेबल आउटकम की वजह से ही फ्रॉयड ने सुझाव दिया कि यह हमारी फीलिंग्स और डिज़ायर्स को दबाने या इग्नोर करने के लिए इररिलेवेंट था। इसके बजाय हमें कॉन्शियसली उनको फेस करने के लिए क्रिएटिव तरीकों को खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी भी चाइल्डहुड में ही हैं जब हमें सोशल रियलिटीज़ को तेज़ी से अडाप्ट करने की ज़रूरत होती है। फ्रॉयड का मानना था कि यह तब होता है जब हम न्यूरोसिस के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़े रिस्क में जी रहे होते हैं, और इसलिए उन्होंने लोगों को उनकी अर्ली एज में खुद पर कंटिन्यूस वर्क स्टार्ट करने की सलाह दी। स्पेसिफिक होने के लिए जितना पॉसिबल हो, फ्रॉयड बचपन के दौरान आने वाले वक्त को कई फेजेस में डिफरेंशिएट करते हैं। उनमें शामिल है ओरल फेज, जो कि बचपन का पहला साल होता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रॉयड ने पाया कि बहुत से बच्चे जिनको मदर मिल्क कम मिला हो, उनमें ईटिंग डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, जिसमें इमोशनल डिस्ट्रेस को शांत करने के लिए फूड का सहारा लेना पड़ता है। 1 से 3 साल की उम्र में एनल फेज होता है, जो यह तब होता है जब बच्चा टॉयलेट यूज़ करना सीखता है। फ्रॉयड ने भी इसे
एक ऐसे वक्त माना है जब पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की स्ट्रांग फीलिंग्स डेवलप होती है। यदि बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान पेरेंट्स की बात मानने से मना करता है तो इसका रिजल्ट लाइफ में बाद में एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी हो सकती है, जैसे पैसा खर्च करने की अनविलिंगनेस। 6 साल की उम्र के आसपास फेलिक फेज होता है, जो तब होता है जब सेक्सुअल फीलिंग डेवलप होने लगती है, और इसे सबसे पहले पेरेंट्स खासकर मदर की ओर डायरेक्ट किया जा सकता है। और अगर मदर के पास एक कूल और पेशेंस पर्सनालिटी है तो वह बच्चे को उसकी पूरी लाइफ के स्कूल बिहेवियर के साथ बच्चे को प्यार के साथ बड़ा करने में सहायक होता है। ये आइडियाज़ आज भी चाइल्ड केयर और एजुकेशन में वैल्यूएबल इंसाइट ऑफर करते हैं दोस्तों, स्पेशली इस टर्म में कि कम उम्र में कड़ी पनिशमेंट और मजाक से बचना कितना ज़रूरी है और इसका इफेक्ट हेल्दी इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर पड़ सकता है। दोस्तों, जैन जैकब्स ने बताया कि अगर सिटीज़ को फन लाइफ चाहिए थी तो उनको ज़्यादा डेंस इकोसिस्टम की ज़रूरत होनी चाहिए थी। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए बिग सिटीज़ में रहना ही एकमात्र रास्ता है दोस्तों, और हम बोरिंग कंट्री साइड या लो स्टेटस सबर्ब में लाइफ की इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अर्बन लाइफ प्रॉब्लम से फ्री होती है। एक शार्पर माइंड जेन जैकब्स यह कंसिडर करने में लगा हुआ था कि कैसे सिटी ज़्यादा कंफर्टेबल और इन्जॉयबल हो सकती थी। 1950 और 60 के दशक के दौरान न्यूयॉर्क सिटी में रहते हुए जैकब्स ने सिटीज़ को इस तरीके से देखा जैसे कि वह अपने खुद के सेंसिटिव इकोसिस्टम में थे। जैसे ही वह आर्किटेक्ट एडमंड बेकन के डेवलपमेंट प्लान्स की विरोधी थे, जिन्होंने स्काईस्क्रैपर्स को बनाने और हाईवेज के नेटवर्क के साथ सिटी को चोक करने का प्रपोजल रखा था। बेकन फंक्शनल नेबरहुड्स क्रिएट करने के प्रति जागरूक थे, लेकिन जैकब्स का मानना था कि वह उन्हें लाइफलेस और आइसोलेटेड बना रहा था। इसलिए जैकब ने सिटी के सोशल एस्पेक्ट को सपोर्ट किया। किसी भी वेल्दी इकोसिस्टम की तरह न्यूयॉर्क को हेल्दी कंपोनेंट्स के मिक्सचर की ज़रूरत थी, इसलिए वह स्ट्रीट्स के लिए आर्ग्यू करती थी जो कल्चरल और रेजिडेंशियल थे, ना कि सिर्फ कमर्शियल। इसका मतलब यह था कि एक हेल्दी डिस्ट्रिक्ट में 3 चीज़ें होंगी: लोगों को दिन में काम करने के लिए वर्क प्लेस, दोपहर के समय एक रेस्टोरेंट में लंच की फैसिलिटी, और रात में एंटरटेनमेंट के लिए एक थिएटर। इन सभी एलिमेंट्स के साथ लोगों के पास एक दूसरे से टकराते रहने और आइडियाज़ को एक्सचेंज करने का हेल्दी मिक्सचर होगा, चाहे वे जॉब पर हों, थिएटर में हों, या फिर रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हों। एक इकोसिस्टम की ज़रूरत को इस तरीके के क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है अगर यह हेल्दी रहना चाहता है, खासकर अगर यह एक स्मॉल एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट है, जैसे पड़ोसी न्यूयॉर्क के कुछ स्क्वायर ब्लॉक्स। इस तरीके के एनवायरनमेंट शहर के लोगों को लोनली और आइसोलेटेड फील कराने के लिए ज़रूरी था, और यही कारण है कि जैकब्स ने अर्बन डेस्टिनी में बढ़ोतरी के हक में आर्ग्यूमेंट किया। ली कॉर्बूज़िएर सहित कई सिटीज़ के आर्किटेक्ट्स ने फील किया कि शहरों को अधिक खुली जगहों की ज़रूरत है, जिसमें ब्रॉड पार्क्स और वाइड बुलेवर्ड्स शामिल हो सकते हैं। लेकिन जैकब इससे डिसएग्रीड थे। हेल्दी सिटीज़ की सड़कों को डेंस, वेरीड और बिजी होने की ज़रूरत थी। किसी शहर का पूरा पॉइंट खुली जगह नहीं होती, बल्कि ह्यूमंस के साथ रहने वाले लोगों के साथ डील करने और उनको सराहने की सोशल इंस्टिंक्ट की एबिलिटी होती है। आलोचकों का क्रिटिक्स का सुझाव हो सकता है कि भीड़ भाड़ वाले शहर अधिक डेंजरस हैं, लेकिन जैकब्स ने बताया कि डेंस नेबरहुड में लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं और अपने पड़ोसियों की केयर भी करते हैं। साथ ही जैकब्स का मानना था कि आइसोलेटेड स्काईस्क्रैपर्स वाले एक शहर में ये ज़रूरी सोशल कैपिटल कहीं खो जाएगा। तो फ्यूचरिस्ट हब्स जहां लोग बस एक दूसरे से ऑनलाइन टकराते हैं कि वकालत करने के बजाय, जेन जैकब्स हमें याद दिलाती है कि लोगों का सड़कों पर निकलना, बातचीत करना और एक दूसरे पर नज़र रखना कितना ज़रूरी है। जेन ऑस्टिन ने सिखाया कि लवर्स को एक दूसरे को एडुकेट करते रहना चाहिए और हमें लोगों को जज करते वक्त केयरफुल रहना चाहिए। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में लोग रोमांस और इंग्लिश लाइफ के ह्यूमरियस पोर्ट्रेल के लिए जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स को पसंद करते हैं, लेकिन यह ना भूलिए कि उनकी बुक्स में कई हाईली रिलेवेंट मॉरल लेसन्स भी शामिल हैं। ऑस्टिन के इम्पॉर्टेंट मैसेजेस में सबसे ऊपर है कि कपल्स एक दूसरे को एडुकेट करें। प्राइड और प्रेजुडाइस में जब हमारे मेन कैरेक्टर पहली बार मिलते हैं
तो मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ बेनेट इमीडिएटली प्यार में नहीं पड़ जाते हैं, असल में वे पूरी तरीके से एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। लेकिन ऑस्टिन के पास एक क्लेवर आइडिया है कि क्यों उनको एक परफेक्ट कपल बनना चाहिए, क्योंकि वे एक दूसरे से सीख सकते हैं। शुरुआत के लिए मिस्टर डार्सी को लगता है कि वे अपने सोशल स्टेटस और वेल्थ के कारण बाकी सभी से बेहतर हैं, जो एलिजाबेथ को डार्सी के इस घमंड को ख़त्म करने में एक हेल्पफुल परफेक्ट पार्टनर बनाता है। बेशक वह शुरू में नाराज़ था, लेकिन उसे फिर रियलाइज़ हुआ कि वह कितनी सही थी। जब तक एलिजाबेथ का सवाल है, वह डार्सी के रिफाइंड टेस्ट और वर्ल्डली नॉलेज से फ़ायदा उठाती है, जबकि उनकी रिलेशनशिप उनको उनकी डेलिकेट सेंसिबिलिटी को, उसके कोल्ड एनालिटिकल नेचर को जगाने को अलाउ करती है। आखिर में ऑस्टिन का मॉरल मैसेज क्लियर है कि लव एक पार्टनर को सिर्फ उसके मौजूदा स्वरूप को एक्सेप्ट करने के बारे में ही नहीं है, यह तो एक दूसरे को मैच्योर बनाने और बेटर पीपल बनाने में हेल्प करने के बारे में है। मेंसफील्ड पार्क में जेन ऑस्टिन के पास मोरालिटी की एक और स्टोरी है दोस्तों, यह दूसरों को जज करने के खतरे के बारे में है। जब फैनी प्राइस अपने रिच रिलेटिव्स और बर्ट्रैम्स के साथ रहने के लिए जाती है, तो एक पुअर फैमिली की होने के कारण मनी, फैशन और एजुकेशन की कमी से जूझ रही फैनी को वह लोग एक गरीब के रूप में देखते हैं। सैडली इन क्वालिटीज़ के चलते उसको जलील किया जाता है, लेकिन यह सिनेरियो ऑस्टिन को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देती है कि वह सोशल सुपीरियॉरिटी की स्टूपिडिटी को एक्सपोज कर सके। और इस बारे में जब सब कहासुनी हुई, तो उसने किसी पर्सन के कैरेक्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया। फैनी प्राइस जो हम्बल, डिग्निफाइड और वर्चुअस है, और इन्हीं सब गुणों की वजह से वह ग्रैंड मेसफील्ड की नई मिस्ट्रेस के तौर पर सम्मानित भी होती है। अनफॉर्चुनेटली यह मैसेज अभी भी रिपीट किया जाता है दोस्तों, क्योंकि कई और लोग अपनी मनी और प्रेजेंस के बजाय किसी पर्सन के ट्रू कैरेक्टर पर ध्यान देने से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में इस किताब के कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूँ। पहला, स्टोइसिज्म एक फिलोसफिकल मूवमेंट है जो ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास प्राचीन ग्रीस और रोम से शुरू हुई थी। फेमस स्टोइक फिलोसोफर्स में से फिलोसोफर और टीचर सेनेका द यंगर के साथ साथ एम्परर मार्कस ऑरेलियस भी शामिल थे। दूसरा, एक्विनेस के अकॉर्डिंग दुनिया में दो वर्क लॉ थे। एक तो था नेचुरल लॉ, जिसे हम रीजन के जरिए से समझ सकते हैं, और दूसरा है इटर्नल लॉ, जिसके लिए फेथ की ज़रूरत होती है। थॉमस एक्विनास हमें याद दिलाता है कि अगर हम दुनिया के समझदार बनने की उम्मीद करते हैं, तो हमें खुद को ओपन माइंडेड रखना चाहिए और डिफरेंट अप्रोचेस और अंडरस्टैंडिंग को अलाउ करना चाहिए। तीसरा, ताओइस्ट फिलॉसफी का सेंट्रल पॉइंट इस बात की समझ है कि कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड सिंपल हो सकता है जब मन शांत होता है, और जब एक सिंपल ब्यूटीफुल लाइफ में ऑब्जर्वेशन भी जुड़ जाता है, तो हम रियल विजडम यानी असल ज्ञान हासिल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, इन दिनों एंजाइटी से निपटने के लिए आम नज़रिया यह है कि खुद को याद दिलाया जाए कि सब कुछ नॉर्मली या एक दूसरे तरीके से काम करेगा, इसलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टोइक्स के पास एंजाइटी को शांत करने का एक और तरीका है, जो यह कहता है कि हाई होप्स को छोड़ो और अपने डीपेस्ट फियर को सर पर मत बिठाओ। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि अतीत के ग्रेट थिंकर्स शायद ही कभी आउटडेटेड या इरेलीवेंट हो पाते हैं। जिन टीचिंग्स को यह दशकों या सदियों पहले देकर गए हैं, उन्हें आज भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि हमें बेटर लाइफ जीने में मदद मिल सके। स्टोइक्स जो हमें लाइफ की पर्सपेक्टिव और क्लैरिटी हासिल करने में हेल्प कर सकता है। लाओत्सू जो हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ स्वीट है, और जब आप नेचर की रिदम को फॉलो करते हैं और अपना वक्त लेते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं, तब यह हमारी लाइफ की क्वालिटी में सुधार करने के लिए उभर कर आती है। जेन जैकब्स और जेन ऑस्टिन के पास लाइफ में और प्यार में क्या ज़रूरी है, इस पर गजब के वर्ड्स हैं। यह एक बहुत अच्छा रीज़न है दोस्तों कि क्यों इतने लोगों के बीच में इन लोगों को ह्यूमैनिटी के ग्रेट थिंकर्स के तौर पर याद किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें।
अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम इन समरीज के साथ एक्शन टिप्स भी अपने ऐप पर जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं। वो एक्शंस आपको क्लियरली बताएंगे कि इन बुक्स को आप अपनी लाइफ में कैसे लगा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी लर्निंग को एक्शन में बदलने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हम वेबिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स की एक सीरीज हर वीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप इन वेबिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स को नॉमिनल पेमेंट्स करके दुनिया के किसी भी कोने से ज्वाइन कर सकते हैं। आदि गुरुदास और लाइव शिक्षा डालकर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे पेजेस को लाइक कर सकते हैं। आपको रेगुलर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, इंटरनेशनल कोचिंग टेक्निक जैसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स को डिटेल में सीखकर अपने गोल्स को और तेजी से हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से भरी वर्कशॉप्स को भी अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इन प्रोग्राम्स की अधिक जानकारी लेकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर इन वर्कशॉप्स को अपनी कंपनी या शहर में कराना चाहते हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो अपनी रिक्वेस्ट हमें thelifeshiksha@gmail.com पे या info@adigurudas.com पे अवश्य भेजें। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं, तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं। दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके कुछ समय के लिए अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए मैं अपने सेशन को कुछ समय के लिए 75% से 50% डिस्काउंट पे दे रहा हूं। दोस्तों, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फेस टू फेस 1-on-1 कोचिंग सेशन लेकर मुझसे अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर पाए। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024022331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, हमसे और हमारे प्रयासों से जुड़े रहने के लिए हमारे उड़ान एनजीओ यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।